यस हाय गेस वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग दिख रहा है अभी आपको ऑल गुड ऑल ओके ऑल बढ़िया बताइए विजिबल है क्या करेगा स्टार्ट करेगा स्टार्ट बताइए दिख रहा है आपको यस हाय गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ना आरती के आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया आरती बहुत बहुत शुक्रिया कहाँ मिलते हैं आप जैसे लोग आजकल चलिए भाई करेंगे स्टार्ट अरे एक्चुअली क्या है ये जो पेंसिल है ना ये तो पेंसिल है ना इसको हम कहते हैं पेंसिल है ना तो ये जो है ये ले गए थे मोदी सर है ना समझ गया मैं दीक्षा आपकी बात आगा? ये क्या है एक्चुअली ये जो ले गए थे मोदी सर ले गए थे उनकी पेंसिल हो गई है खराब उनकी पेंसिल हो गई है ख़राब तो फिर वो ले गए थे और जब तक वो लेक्चर ख़त्म करें और यहाँ पर आए तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया तो ऐसी हो गई कहानी क्रैश हुआ क्या क्रैश हुआ शिवानी करवा देंगे बेटा हम चिंता मत करो सर यूट्यूब पे आ रही थी मतलब समझाने में कोर्स यूट्यूब पे स्वागत करोगे और कहाँ करोगे ओके okay, यहां पर आपका स्क्रीन दिख रहा है क्या जस्ट अ मिनट स्क्रीन दिखना चालू हो गया आपको बधाई हो बधाई हो ओके मैनी मैनी कॉन्ग्रेट शिवानी कर लो सॉल्व है ना आपको आगे आगे स्टार्ट करना तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है चलिए करें स्टार्ट तो देखिएगा यहां पर ध्यान से पढ़ना है टैक्स पढ़ाऊँ आज बोलो आज टैक्स पढ़ना है क्या आज बताओ है ना देखो टैक्स में अपने ऐसे होता है ना टैक्स में अपने ऐसे होता है धनिया पुदीना में थी बहुत ईजी है पढ़ाऊँ क्या बोलो आज आप बोलो तो हम टैक्स पढ़ाते हैं आपका एग्जीक्यूटिव का है ना करेंट अफेयर्स में डर लग रहा है क्यों यार डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू भेजता हूँ आपके यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है सिंपल है ईजी है बिल्कुल चिंता मत करें आप मैं यही कह रही सर आपके बच्चे कितने हैं जितने एडमिशन होंगे उतने बच्चे हो जाएंगे बेटा मैगी जितने एडमिशन होंगे उतने बच्चे हो जाएंगे करेक्ट नहीं यार मैं सो के नहीं उठाऊँ क्या है बाल थोड़े अब सेट करवाने पड़ेंगे ओके <coughs> okay, चलिए है ना मोहित कह रहा है एक तरफा प्यार पे कोई शायरी प्लीज़ बता दो किसको भेजना है मैं भेज दूंगा है ना मोहित कह रहा है एक तरफा है ना प्यार पे शायरी सुना दो बता दो किसको भेजना है मैं भेज दूंगा मैं संभाल लूँगा <coughs> टेक्स्ट नहीं देखा आपने मेरा श्रुति कहाँ पर बेटा व्हाट्सएप पे देख लेंगे यार देख लेंगे देख लेंगे Oh. चलिए तो गैस स्टार्ट करते हैं यहां पर जो आपकी पेंसिल कनेक्ट हो चुकी है ओ टी एस ये क्या है अजय ओ टी एस मंजे हाँ क्या सोनावर जी बहुत बढ़िया यहाँ बच्चे के लिए टेक्स पढ़ाओ बस जल्दी फटाफट आ जाओ फिर आपको टेक्स्ट पढ़ाते हैं ठीक चलिए तो गायज हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल 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 देखिए है ना जी ट्वेंटी वगैरह आपका कंप्लीट हो चुका था ठीक है फिर नीति आयोग लोग हम लोग पढ़ रहे थे नीति आयोग आप देख के आए क्या ठीक है मैंने आपको छोटा सा टास्क दिया था वो टास्क करके आए क्या आप लोग बताइए नितिन गडकरी साहब का आप कोई इंटरव्यू देख के आए नहीं देख के आया ना कितने कैसे लोग यार तुम हजारों घंटे तुम जो है इंस्टा चला लोगे लेकिन दस मिनट का मैंने आपको कहा था कि एक इंटरव्यू देख के आना वो नहीं देख के आओगे ओहो अंजलि शुक्रिया है ना चलिए सुनिए तो यहाँ पर एक तरफा प्यारा की कीमत वाले जो हैं कुछ लोग हैं हटा दिया बैकग्राउंड मैंने कोई बैकग्राउंड नहीं हटाया मैंने कोई बैकग्राउंड नहीं ऑटोमेटिक ऐसा ही है चलिए सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। तो पर क्या हो चुका था? हम ऑलरेडी क्या कर चुके थे नीति आयोग कर चुके थे याद हो गया आपको बताइए इंडियन बॉडीज में पहला था आपका नीति आयोग तो नीति आयोग के पहले कौन सा था फटाफट -फड़ से एक बार रिकॉल कर लेते हैं सुनिएगा ध्यान से मैं तो पहली बार नाम सुना सनोवर शेख नोवर है ना सानू बेटा बोल देते हैं सानू बेटा बस खुश चलिए है ना सुनिएगा यस अक्षित पढ़ाते हैं सबको पढ़ाते हैं <laughs> पढ़ने वाला चाहिए सबको पढ़ाते हूँ सुनिए तो यहां पर क्या नीति आयोग के पहले आपका क्या था प्लानिंग कमीशन हुआ करता था फटाफट फ़ड़ से रिकॉल कर लेते हैं 1950 से था ना मार्च 1950 से था 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने लाल किले पर खड़े होकर कहा कि बस बहुत हो गया अब हम वही काम करेंगे लेकिन नीति आयोग के नाम से करेंगे प्लानिंग कमीशन के नाम से नहीं करेंगे हम किस नाम से करेंगे आपका नीति आयोग के नाम से करेंगे करेक्ट तो 2015 में इसका जो है गठन हुआ मतलब ये बनाया गया एंड ये यंगेस्ट यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन है है वन ऑफ आपका डेमोक्रेटिक इंडिया का करेक्ट तो पहले जो पंचवर्षीय योजना थी इसको हमने खत्म कर दिया और इसको हमने दो में चालू किया इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्या कि इसको फेडरलिज्म जो है उसमें कोऑपरेट करवाना था देन उसमें जो है कॉम्पिटिशन करवाना था ये सब चीजें यहां पर थी ये सब चीजें यहां पर थी ओके चलिए सुनिए अब इसको हमने थिंक टैंक भी कहा था कि भाई इतने महान महान व्यक्ति इसमें हैं तो ये इसको तो थिंक टैंक बोलना ही पड़ेगा ना करेक्ट इसको तो बिल्कुल थिंक टैंक बोलना ही पड़ेगा देन ये आपको डायरेक्शन देती है सरकार को एंड टेक्निकल एडवाइस भी देती है देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग हमने पढ़ा था ये आपको ध्यान है क्या कौन कौन था इसमें देखिए इसके जो तो चेयरमैन हैं वो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं चेयरपर्सन जो है मतलब वो नरेंद्र मोदी जी हैं वाइस चेयरपर्सन जो है वो राजीव कुमार जी हैं तो कल मैंने आपको दिखाया था ना वरिष्ठ नेता है राजीव कुमार जी तो आपके चेयरपर्सन जो है वो कौन है आपके नरेंद्र मोदी जी हैं एंड आपके वाइस चेयरपर्सन जो हैं वो आपके राजीव कुमार जी हैं ठीक है देन उसके अलावा उसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स में कौन कौन आता है तो फुल टाइम मेंबर्स में हमने आपको कहा था कि फुल टाइम यहाँ पर कौन बैठा रहता है कि जो पॉल सर जो हैं डॉक्टर पॉल जो है, ये बैट -बैट हैं ये बैठ बैठ के चांद देखते हैं एंड सरस्वती माता की पूजा करते हैं ठीक है सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो यहाँ पर पॉल साहब है वी के पॉल है रमेश चंद है एंड श्री वी के सारस्वत है ये तीनों वहीं पर बैठ रहते हैं एंड जो है सरस्वती जी की पूजा करते हैं ओके परफेक्ट देन उसके बाद एक्स ऑफिशियल मेंबर तो यहाँ पर टोटल चार मेंबर्स थे आपके पास राजनाथ सिंह थे डिफेंस मिनिस्टर आपके अमित शाह थे ये तो आपको पता ही है निर्मला सीतारामन थी मतलब हैं ये अभी भी हैं एंड कौन एंड कौन एंड कौन, एंड कौन? आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वगैरह वगैरह के मतलब रूरल डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनके पास है ओके मैगी जब मिलोगे पुणे में तब दिखाऊंगा पक्का ओके परफेक्ट चलिए देखा आपने मोहित देखा रोहित सॉरी मोहित नहीं रोहित देखा आपने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो भाई देखो ये कुछ कुछ नेता थे उसके बाद स्पेशल इन्वाइटीज है मैं आपको दिखा दूं अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखा दूं एक बार ये हमारे राजनाथ सिंह जी देखा है आपने इनको है ना ये हमारे राजनाथ सिंह जी देखा है आपने इनको डिफेंस मिनिस्टर है तो मैंने आपको बताया था ना ये जो है ये जो राफेल डील हमारी हुई थी जो बाहर से आए थे अपने पास जेट्स तो उसके नीचे चक्कों के नीचे नींबू रखा गया था ताकि नजर ना लगे ठीक है तो ये हमारे कौन है ये हमारे वरिष्ठ नेता है ये आपने देखा होगा शायद ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं ये देखा होगा आपने शायद उसके बाद है ना ये आपके तोमर साहब हैं है ना ये जो है आपके तोमर जी हैं जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी लिखा हुआ था ना तो आपके तोमर जी देखो एग्रीकल्चर के यहाँ पर बैठे हुए ठीक है याद रहेगा आपको तोमर जी जो है एग्रीकल्चर संभालते हैं ठीक है बाकी भी आपको चार नाम दिखाता हूँ है ये और भी नेता है मिन पर आता हूँ और भी कुछ कुछ नेता है मेन पर आता हूँ ओके okay, और कौन कौन है नितिन गडकरी जी तो मुझे ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है नितिन गडकरी कौन है और अंजलि कह रही इनको कौन नहीं जानता बहुत बढ़िया मैं बहुत ही बढ़िया बधाई हो ठीक तो है तो यहाँ पर नितिन गडकरी जी गडकरी जी हैं तो ये हैं और पीयूष गोयल हैं तो ये दो ये क्या है ये देखो स्पेशल इन्वाइटीज़ हैं मतलब ये भी इनके मेंबर है तो ये रोड वगैरह का, का काम संभालते हैं ना हाईवेज़ वगैरह का एम एस इंडस्ट्री संभालते हैं पीयूष गोयल जो है ये रेलवेज वगैरह संभालते हैं करेक्ट बाकी दो नाम इसमें और कौन कौन से थे तो एक आपका ये गहलोत जी थे ठीक है थावर चंद गहलोत जी थे तो ये जस्टिस वगैरह का काम संभालते थे करेक्ट तो यहां पर मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थे एंड आपके कौन थे राव इंद्रजीत सिंह जी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ओके परफेक्ट तो कौन कौन हुए देखिए यहां पर दो आपके एक राव इंद्रजीत सिंह जी एंड आपके गहलोत जी अगर आपने देखा था तो बहुत बढ़िया बात है नहीं तो ये देखो है ना गहलोत जी ये क्या ठीक है आपको शक्ल से नहीं लग रहा है कि इनको न्यायप्रिय व्यक्ति हैं काफ़ी है यस क्रिस्टल एकदम लास्ट में गाना सुना देंगे है ना लास्ट में गाना पक्का सनोवर शेख हमारे नागपुर से बधाई हो बधाई हो आपको ठीक है संतोष कह रहे हैं हम पुणे में कहाँ रहते हैं बेटा अभी तो नहीं रहते हैं अभी तो नहीं रहते हैं जब आएंगे तब बता देंगे है ना तो ये देखो काफी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं एंड ये जो है किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह जी किस तरीके से मोदी जी के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं देख पा रहे हो आपसे कर रहे हैं तो ये आपके राव इंद्रजीत सिंह जी तो ये सब कहां के मेंबर है आपके है ना नीति आयोग के डन परफेक्ट है क्लियर है चले आगे बधाई अब सुनिए नेक्स्ट अब सुनिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका इसमें सीईओ थे श्री अमिताभ कांत है ना इनके जो सीईओ थे तो अमिताभ बच्चन अमिताभ कांत थे याद रहेगा आपको बहुत बढ़िया अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रेलेवेंस ऑफ आप नीति आयोग तो नीति आयोग के मेन क्या क्या काम थे तो भाई फेडरलिज्म कोऑपरेट करवाना देन इसमें जो है कॉम्पिटिशन करवाना करी देन अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना थिंक टैंक था और ये सबको यूनिफॉर्मिटी की तरफ ले जाना तो ये टोटल पाँच आपके मेन काम थे ये गडकरी जी के थ्रू हमने याद किया था यस yes, सुमित यस yes. कहाँ पर लिंक नहीं भेजी श्याम भावी कहाँ पर लिंक नहीं आई यार कहाँ पर लिंक नहीं आई <coughs> मैंने तो ऑफिस में बोला था यार भेज देना मैं तो ऑफिस में कहा था भेज देना कहाँ पर लिंक नहीं है बेटा है अपने मित्रों को भेज दो देन 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 हां पर आपका है ना इज ऑफ डूइंग बिजनेस हमको करना था है ना हमको काम आसान बनाना थे तो हमने जस्ट एक एग्जाम्पल देखा था कि रेस्टोरेंट वगैरह खोलने के लिए हमको फोर्टी थ्री लाइसेंस वगैरह लगते हैं जिसमें से एक या दो जो है वो सिर्फ सेंटर के पास थे बाकी स्टेट गवर्नमेंट है लोकल अथॉरिटी इसके पास थे तो उन्होंने कहा था कि भाई इन सबको कम करो इतने लफड़े वाले काम हमको नहीं चाहिए जीवन में ओके देन नेक्स्ट नेक्स्ट आपका यही हमने कंप्लीट किया था आरबीआई हमने स्टार्ट नहीं किया था अब करते हैं आरबीआई शुरू सजीत बेटा ये सब नहीं आता है चिंता मत करो यानी ये सब नहीं आता है बिल्कुल आप चिंता ना करें देन देखिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कौन सा आर तो यहाँ पर आर जो है ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो अपने स्कूल में पढ़ा होगा करेक्ट है ना चलिए सुनिएगा सो so, आर कब बना था आपका एक अप्रैल 1935 में सो फर्स्ट अप्रैल 1935 में जो है आपको यहाँ पर है ना फर्स्ट अप्रैल मतलब अप्रैल फूल वाला दिन है ना पूरा महीना ही होता है और आपके लिए तो पूरा साल भी होता होगा कोई बड़ी बात नहीं है ओके okay, तो यहाँ पर एक अप्रैल 1935 थर्टी फाइव फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन को फाइव यहाँ पर क्या था आपका आर जो बना था आर एक्ट के तहत तो आर एक्ट एर आपका आर का अलग से लॉ है जो 1934 का है ठीक है नमस्ते नमस्ते सुमित है ना तो यहाँ पर क्या है आपका आर एक्ट जो है वो कब का था 1934 का था नर बी आई एक्ट जो है नाइनटीन का था एंड ये कब बना था फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन में बना था तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो है ना ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो करेक्ट चलिए यस सब आता है आर के बारे में बहुत भी बढ़िया अब इसके बाद देखो यहाँ पर ना पहले ही कलकत्ता में था पहले ही कलकत्ता में था फिर हमने इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया था तो देखो आर एक्ट था नाइनटीन का मैं एक बार लिख देता हूँ फटाफट से आप चाहे तो छोटे छोटे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो कुछ नया नहीं है लिखा ही हुआ है आर एक्ट था नाइनटीन का हमने कब बनाया था फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन में तो पहले तो था ये कलकत्ता में फिर हमने इसको शिफ्ट कर दिया मुंबई में कब 1937 में ठीक है पहले प्राइवेटली ओन था फिर सरकार ने कहा कि हम चलाएंगे ऑफकोर्स है ना हम इंडिपेंडेंस आ चुका है तो अब हम संभालेंगे नाइनटीन में ठीक है जब यहां पर नेशनलाइजेशन हुआ था तो हम चीजों को नेशनलाइज कर रहे थे अपने अंडर में ले रहे थे तब ये 1949 में आ चुका था है ना सरकार के अंडर में क्लियर है परफेक्ट है एकदम इजी है 1934 का आपका एक्ट था 1935 में बना था फर्स्ट अप्रैल को 1937 जो है है ना 1937 जो है यहाँ पर आपको मुंबई में शिफ्ट किया गया था 1949 में आपको नेशनलाइजेशन के जरिए अपने अंडर में ले लिया गया था ओके परफेक्ट क्लियर है चलिए अब देखिए नेक्स्ट ये वाला पैरा काम का नहीं है ना ये वाला पैरा जो है एकदम काम का नहीं है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं टाइम पास टाइम पास चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन ये काम का नहीं है बिल्कुल आप चिंता ना करें देन आपकी यहाँ पर कुछ रेट्स होते हैं है ना रेपो रेट होता है रिवर्स रेपो रेट होता है वगैरह वगैरह तो ये सब पुराने हैं पुराने वाले काट दो ठीक है ये सब पुराने वाले हैं पुराने वाले आपको काटना है नए वाले आपको लिखना है तो नए वाले प्लीज नोट डाउन कर लो अगले महीने में अगर इसमें कुछ चेंज हुआ तो वापस से अपन नए पढ़ लेंगे एज ऑफ नाउ तो ये है ठीक है एज ऑफ नाउ जो लेटेस्ट अभी चार जून को जो है ना शक्तिकांता दास जो आर के चेयरमैन है शक्ति कांता दास इनके इंटरव्यूज में जनरली सुनता हूँ काफ़ी तो ये आए थे चार जून को यस इंदिरा गांधी वेरी गुड नितेश वेरी गुड तो उन्होंने कहा था कि भाई हम कुछ चेंज नहीं कर रहे मतलब तो रेट्स हमने अनचेंज रखे थे ये तो काफ़ी पुराने रेट हैं ये जो आपको दिए ना 2020 के रेट है ठीक है लेकिन अब रेट्स काफ़ी कम हो चुके हैं उसका रीज़न है उसका रीज़न है, है कि लोगों के पास पैसे वगैरह नहीं थे इस वजह से है ना हमने यहाँ पर अर्पित कह रहा है एनीमन फॉर फ्रॉम एम पी यस आई एम फ्रॉम एम पी आप बता सकते हो मुझे ओके चलिए सुनिए तो यहाँ पर पॉलिसी रेपो रेट ये आपको पता है क्या पॉलिसी रेपो रेट क्या होता है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है पहले तो आप ये रेट लिख दीजिए लिख लीजिए है ना रेपो रेट आपका फोर परसेंट है रिवर्स रेपो आपका थ्री पॉइंट थ्री फाइव परसेंट है ठीक है फोर पॉइंट टू फाइव फोर पॉइंट टू फाइव फोर एंड एटीन ये लिख लो प्लीज़ पहले तो आप ये आप लिख लो प्लीज़ है ना फिर मैं आपको ये समझाता हूँ ये सब चीज़ें क्या है चलिए सुनिएगा पहले क्या बोला है पॉलिसी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ये दोनों चीज़ें क्या होती है ये दोनों चीज़ें क्या होती है नहीं जैसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है है ना आपके मोरल सही से, से पूछता है तो यहाँ पर देखो रेपो रेट क्या होता है भाई कि जब बैंक लोन लेता है है ना जब बैंक लोन लेता है किससे आरबीआई से तो देखो रेपो रेट क्या होता है मैं साइड में लिख देता हूं ठीक है रेपो रेट क्या होता है रेपो रेट में जो बैंक है ना बैंक अपनी कुछ सिक्योरिटीज बैंक अपनी कुछ सिक्योरिटीज मतलब जिसको आप ट्रेजरी बिल वगैरह वगैरह कहते हो तो बैंक ये सिक्योरिटीज देता है आरबीआई को जैसे फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक है तो बैंक जो है ऑप्शन स्मित फर्स्ट आरबीआई गवर्नर बधाई हो सजीत बहुत बढ़िया परफेक्ट यार चलिए तो यहां पर क्या यहां पर बैंक जो है वो सिक्योरिटीज देता है आरबीआई को एंड ना उससे पैसा लेता है एंड ना उससे पैसा लेता है तो जब आप आर से पैसा लेते हो ठीक है जब आप आर से पैसा लेते हो ठीक है लेकिन प्योर लोन नहीं है ये कौन सा वाला है आपने सिक्योरिटीज रखवाई हैं आपने सिक्योरिटीज रखवाई हैं एंड उनसे पैसा ले रहे हो ठीक है आपने सिक्योरिटीज रखवाई है एंड आप जो है उनसे आरबीआई से अमाउंट बोरो कर रहे हो तो यह आपका होता है रेपो रेट आपने यहां पर क्या आपने अमाउंट बोरो किया तो यह क्या होता है आपका रेपो इसको आप कहते हैं रिपर्चेस एग्रीमेंट कहते हैं वैसे आप है ना इसको आप रिपर्चेस एग्रीमेंट कहते हैं जनरली शॉर्ट टर्म होते हैं श्वेता जनरली शॉर्ट टर्म होते हैं ठीक है श्याम भी चलेगा लेकिन लास्ट में याद रखना भाई कहां पर आपका स्क्रीनशॉट है और उसका रेट क्या है फोर परसेंट करेक्ट इसका रेट क्या है आपका चार परसेंट परफेक्ट एंड इसका जस्ट उल्टा रिवर्स रेपो क्या होता है रिवर्स रेपो क्या होता है जब आरबीआई पैसा उठाता है बैंक से जब आरबीआई पैसा उठाता है बैंक से तो आरबीआई भी ब्याज देगा ठीक है रेपो रेट क्या था बहुत ध्यान सुनना रेपो रेट क्या था रेपो मतलब बैंक ने क्या किया था आरबीआई को सिक्योरिटीज बेची थी एंड पैसा बोरो किया था तो वो रेपो रेट था तो ये कितना था आपका फोर परसेंट यह कितना था आपका फोर परसेंट और इसका जस्ट उल्टा होता है रिवर्स रेपो आपका रिवर्स रेपो रिवर्स रेपो क्या होता है आपका तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपका रिवर्स रेपो जो है ये क्या होता है यहां पर आरबीआई बोरो करता है फ्रॉम आरबीआई बोरो फ्रॉम बैंक आरबीआई जो है बैंक से पैसा उठाता है लोन उठा लेता है करेक्ट परफेक्ट बहुत बढ़िया तो आरबीआई कितना आपको इंटरेस्ट देगा आरबीआई तो कम ही देगा ना अगर आरबीआई आपसे पैसा उठा रहा है तो आरबीआई आपको कंपेरेटिवली कम ही देगा तो कितना देगा थ्री ठीक है तो याद रह जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले पॉइंट्स रेपो कितना हुआ आपका फोर परसेंट रिवर्स रेपो कितना हुआ आपका थ्री पॉइंट थ्री फाइव चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं एम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये क्या होता है यहां पर ये आरबीआई जो है आरबीआई लोन देता है जिनके पास एक्चुअल बहुत शॉर्टेज हो जाती है पैसे की अगर आपके पास बैंक की शॉर्टेज हो जाती है ना ठीक है एग्जाम में प्रेजेंट वाले रेट्स पूछेगा लेटेस्ट वाले है ना देव एकदम लेटेस्ट वाले पूछेगा ठीक है सी बेटा चार परसेंट है अनम सी जो है बेटा वो चार परसेंट है ओके लेटेस्ट वाले एज ऑन फोर्थ ऑफ जून अभी मैं आपको चार दिन पहले के बता रहा हूं है ना आपका सीआरआर जो है ये फोर परसेंट है ठीक है आगे लिखा हो इस पर मैं आता हूं ठीक है मैं आपको बता रहा हूं पहले सुन लो क्या ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है कि आरबीआई बैंक को पैसा देता है जिनके पास एक्चुअल बहुत शॉर्टेज हो जाती है पैसे की और एकदम शॉर्ट टर्म रहता है तो ये वाला दिया जाता है इसका रेट कितना है फोर है इसका रेट कितना है फोर है एंड बैंक रेट बैंक रेट मतलब बैंक ने आरबीआई से नॉर्मल लोन लिया है ठीक है बैंक रेट मतलब क्या है बैंक रेट का मतलब क्या है तो यहां पर बैंक ने आरबीआई से लोन लिया है बैंक ने आरबीआई से लोन लिया है नॉर्मल लोन लिया है। यहां पर सिक्योरिटीज वगैरह नहीं बेची है नॉर्मल लोन लेके आया तो उसको जिस रेट पर लोन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड इज योर बैंक रेट ओके परफेक्ट ये भी कितना है आपका फोर पॉइंट टू फाइव तो समझ आएगा ये चार पॉइंट्स बताइए ये? ये चारो पॉइंट समझ में आए क्या बताइए ये, ये चारों पॉइंट्स आपको समझ में आए क्या बताइए रेपो रेट क्या होता है जब आप आरबीआई को सिक्योरिटीज बेच के लोन लेते हो जब सिक्योरिटीज बेच के लोन लेते हो तो आपका रेपो रेट होता है ठीक है और नॉर्मल आप लोन लेते हो तो बैंक रेट होता है सिक्योरिटीज बेच के लोन लिया तो रेपो, रेपो रेट होता है और नॉर्मल लोन लिया तो वह बैंक रेट होता है तो ये दोनों कितना कितना है देखो पॉलिसी रेपो, रेपो रेट आपका फोर परसेंट है एंड बैंक रेट आपका फोर पॉइंट टू फाइव परसेंट है ठीक है अब जब आरबीआई बैंक से लोन लेता है तो उसका रिवर्स रेपो कहते हैं उसको आप जो है रिवर्स रेपो कहते हैं तो रिवर्स रेपो को कितना है आपका थ्री पॉइंट थ्री फाइव परसेंट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब क्या होती है ये क्या होती है कि आर जो है बैंक को लोन देता है जहां पर बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज होती है जहां पर पैसे की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है तो उसको हम मार्जिनल ये स्टैंडिंग फैसिलिटी देते हैं करेक्ट परफेक्ट है क्लियर है यस बैंक रेट जो नॉ लॉन्ग टर्म के लिए होता है ये yes, सही कह रहे हो आप ठीक तो ये कितना हो गया फोर तो यहां पर ये आपके रेट्स हो गए ये लास्ट के दो सवा चार सवा चार फोर पॉइंट टू फाइव फोर पॉइंट एंड फोर एंड थ्री पॉइंट थ्री फाइव इसके बाद दो चीज़ें होती है एक आपका होता है कैश रिजर्व रेशियो ना चिराग एमएसएफआर क्या होता है एमएसएफ आर क्या होता है तो यहां पर अगर किसी बैंक के पास बहुत ही शॉर्टेज हो गई कल जाके सपोज बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास पैसे नहीं बचा कैश नहीं बचा तो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए वो आर बी आई से कैश लेते हैं जिसको आप कहते हैं मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट परफेक्ट क्लियर नेक्स्ट आप देखिए सी और एस तो कैश रिजर्व रेशियो जो आपका होता है ये आप रखवाते हो विथ आर तो कैश रिजर्व रेशियो जो होता है ये आप रखवाते हो आर के पास तो एक बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं ना एक बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसका चार परसेंट देखो अभी भी आपका सी आर आर चार परसेंट ही है तो चार परसेंट आपको जो आर के पास रखवाना पड़ता है तो अगर आपके पास सबके डिपॉजिट सपोज सब सौ करोड़ है सपोज अगर आपके पास सपोज आप एक बैंक हो आप एच डी एफ सी बैंक हो फॉर एग्जाम्पल और आपके पास सब लोगों के डिपोजिट मिला के सौ करोड़ है तो उसका चार परसेंट ठीक है इंपॉर्टेंट है श्याम भवी ये वाला इंपॉर्टेंट है ओके टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है विधि लेकिन अपन बाकी चीजों पर नहीं जा रहे हैं. ओके चलिए तो यहां पर आपका सीआरआर जो है आप बैंक के आप आरबीआई के पास रखते हुए चार परसेंट का होता है स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब ये विथ बैंक पड़ा रहता है बैंक के पास खुद के पास हमेशा पड़ा रहना चाहिए कितना अठारह परसेंट जो बैंक अपने पास लिक्विडिटी मेंटेन करता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैश प्रेजेंट होना चाहिए वो आपका होता है स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड जो आप आरबीआई के साथ रखते हो वो क्या होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो फोर एंड एटीन परसेंट ये इंपॉर्टेंट है काफी इसलिए ध्यान रखना ओके okay, परफेक्ट है क्लियर है समझ आया ना चलिए तो ये आपके हुए आरबीआई के अलग अलग रेट्स होपफुली आपको क्लियर है रेपो क्या होता है रिवर्स रेपो क्या होता है माइनर स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है देन आपका बैंक रेट क्या होता है सी क्या होता है एस क्या होता है तो सबके मीनिंग भी ध्यान रखना एंड रेट्स भी ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए अब देखते हैं आगे अब यहाँ पर यहाँ पर जो ये सब चीज़ें हैं ना ये भी आपके कुछ काम की नहीं है ये सब पुराना अपडेट है ये सब पुराने रेट्स आपको दिए हैं तो ये वाला पैरा भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है काफ़ी पुराना है 2019 वगैरह का में डेटा दिया हुआ है तो ये आपके बिल्कुल एग्जाम में मत नहीं पूछेगा और ऐसे पुराने रेट्स हैं तो बिल्कुल चिंता मत करें जिसको नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल चलेगा ये नए वाले रेट्स मैंने आपको बता दिया यहां पर और ऊपर वाला पैरा भी आपका काम का नहीं था तो इसी के साथ हमने कंप्लीट किया आपका आर बी आई करेक्ट तो यस अपने पास कैश और गोल्ड वगैरह में मेंटेन करना पड़ता है श्वेता करेक्ट चलिए तो ये आपका क्या हो गया आपका आरबीआई पूरा का पूरा हुआ कंप्लीट अब नेक्स्ट आपका आता है सेबी अब आपका नेक्स्ट आता है सेबी सेबी इज वॉट सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है हाँ, सैबी इज वॉट और एक सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी मेरे साथ कुछ दिन पहले है ना मैं आपको बताऊंगा सेबी को लेकर सुने का ध्यान से एस मतलब बैंक अपने पास रखता है आशीष स्टैचुटल लिक्विडिटी रेशियो जो बैंक हमेशा अपने पास मेंटेन करता है है ना वो आपका होता है yes, यस ऋषिका करते हैं करते हैं ठीक है वो आपका अब जो बैंक के पास अपने पास रखता है वो आपका होता है स्टैचुटल लिक्विडिटी रेशियो परफेक्ट क्लियर है अब सुनिए नेक्स्ट पॉइंट सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो भाई इसका तो नाम आपको याद रखना ही है है ना आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये आपको याद रखना ही है एग्जीक्यूटिव में भर भर के आपको ये पढ़ाया जाएगा अब बड़ सर पढ़ाएंगे है ना इसका मतलब तो ये तो सिर्फ क्या है? नाम है है ना काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा एंड सब कौन बताएंगे ठीक है यस देव एक्सटेंड कर देते हैं ओके तो ये कौन पढ़ाएंगे आपको अब्बड सर पढ़ाएंगे है ना इसकी बहुत सारी जो बातें हैं अब इसमें सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेबी जो है ये कब बना था 12 अप्रैल 1992 में तो ये सब बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई भी देखो अप्रैल में बना था ये भी अप्रैल में बना था ठीक है ये कब बना था 12 अप्रैल 1992 में एंड सेबी एक्ट के तहत बना है 1992 वाला अब इनका काम क्या है सेबी का काम क्या बताइए सेबी का काम क्या है तो ये तो आप खुद भी बता सकते हो ठीक है जो सिक्योरिटीज मार्केट में हो रहा है है ना हर्षद मेहता स्कैम हुआ था नाइनटीन नाइनटीन में याद है आपको ठीक है तो समझो कि वहीं से उसका जन्म हुआ था था तो पहले भी था तो पहले भी ऐसा नहीं है था तो पहले भी लेकिन अनऑर्गेनाइज था इतनी कोई देख नहीं करता था हाँ यस क्या हो गया सनोवर मुझे पर्सनली मैसेज कर कर देना नॉर्मल मैसेज कर देना क्या हो गया सनोवर आपके साथ ओके यस सुनिए तो 12 अप्रैल 1992 को इसको बनाया गया था सेबीएक नाइनटीन के तहत इसका काम क्या है तो इसका प्रीएम्बल क्या है प्रीएम्बल मतलब एक्ट का जो स्टार्टिंग होता है ना कि एक थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आपको काइंड kind ऑफ of दिया जाता है उसमें क्या लिखा है इनका काम क्या है कि भाई सिक्योरिटीज <coughs> मार्केट को प्रॉपरली रेगुलेट करना इन्वेस्टर्स को जो है उनको सेव करना उनको अवेयर करना फ्रॉड वगैरह नहीं होने चाहिए तो ये सब तो ये सब चीजें जो हैं ये सब चीज़ें जो हैं इनका काम है क्या क्या प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी सिक्योरिटीज मार्केट वगैरह वगैरह करेक्ट अब इनके देखिए मेंबर्स कौन कौन है अब इनके देखिए मेंबर्स कौन कौन है तो अजय त्यागी जी जो हैं अजय त्यागी जी त्यागी जी जो है ये क्या है इसके चेयरमैन है अजय त्यागी जी इसके चेयरमैन है ओके okay? अब अजय त्यागी देखो सैबी संभाल रहे हैं अगर कोई सैबी संभाल रहा है तो चेहरे पर गुस्सा तो होगा कि नहीं होगा बताओ है ना अगर कोई सैबी संभाल रहा है तो चेहरे पर गुस्सा होगा कि नहीं होगा होना ही चाहिए ना गया अजय त्यागी जी का फोटो गायब हो गया यार अजय त्यागी जी का फोटो जो है वो गायब हो गया ना चलिए मैं आपको दिखाता हूँ है ना मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल भी आप चिंता ना करें है ना मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल भी आप चिंता ना करें ये आपका क्या है देखिए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए यार गायब क्यों गए ये हैं देखिए ये क्या है ये आपके अजय त्यागी जी दिख रहे है आपके चेहरे पर गुस्सा ठीक है तो ये क्या है ये है अजय त्यागी जी है ना ये हैं आपके अजय त्यागी जी करेक्ट परफेक्ट तो भाई ये कौन है चेयरमैन है ठीक है इसके अलावा बाकी मुद्दे इसके अलावा बाकी मुद्दे चार और मेंबर्स हैं ठीक है ये चार मेंबर्स आप जो हैं इनका चेहरा देख लो मैं आपको नाम बताता हूँ ठीक है तो अजय त्यागी जी जो है ये मेन चेयरमैन है इसके अलावा देखो और कौन कौन है तो ये एक तो आपके महालिंगम जी हनर श्री जी महालिंगम ये सब क्या है ये सब इनके होल टाइम मेंबर्स हैं ये सब क्या है इनके होल टाइम मेंबर्स हैं कौन हनर श्री जी महालिंगम देन देन माधवी पुरी जी माधवीपुरी देन एस के मोहंती एंड श्री अनंता बारुआ बारुआ या बरुआ जैसे भी ये कहते होंगे हाँ हमारे इनसे मुलाकात नहीं हुई है बट यस बारुआ या बरुआ जैसे भी आप कहना चाहो कह सकते हो आपके याद रखने के लिए ठीक है तो ये महान व्यक्ति हैं महान व्यक्ति हैं ठीक है जो इनको पुरी बहुत पसंद है एक महान व्यक्ति हैं जिनको पुरी बहुत पसंद है ठीक है देन एक मोहंती जी हैं और क्या और क्या है ना एक बरुआ जी है तो बरुआ मतलब आपको भर देंगे भर देंगे मतलब क्या मारने को भरना कहते हैं है ना मारने को क्या कहते हैं भरना कहते हैं ठीक है तो ये बरुआ जी है महान जी है जिनको पूरी बहुत पसंद है और एक एस के मोहनती तो ये नाम याद रख लोगे आप बताइए ये तो दाऊद लग रहा है बच्चे कह रहे हैं नाम याद रख लोगे ठीक है दिखाऊँ क्या ये कौन कौन है देखो है ना वापस से देखो वापस से एक बार नज़र डाल लो ठीक है तो ये महालिंगम जी हैं है ना कितने महान दिख रहे हैं दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे करेक्ट देन इनको पूरी बहुत पसंद है ये माधवी पूरी जी हैं कितनी स्वीट लेडी दिख रही है ना ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके पास कोई भी कंप्लेंट लेके जाओ तुरंत सॉल्व कर देगी करेक्ट ये श्रेया भिजवाते हैं श्रेया भिजवाते हैं बिल्कुल चिंता ना करो ठीक है ये एस के मोहंती जी कितने ऐसे सभ्य पढ़े लिखे इंसान है ना ये भी हैं एंड क्या एंड क्या ये आपके कौन थे ये नाम आपके मोहंती जी थे एंड ये आपके बरुआ जी ये भी ये बेटा आपको मारने वाले हैं ऐसा समझो आप ओके तो ये चार लोग हैं ये आपके फुल टाइम मेम्बर्स हैं क्लियर परफेक्ट है ना देखो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको निमोनिक्स याद रह जाए या फिर शक्ल से याद हो जाए तो भी चलेगा देन सेबी स्कोर्स कंप्लेंट इशू है ना क्या है आपका नेक्स्ट सेबी स्कोर्स कंप्लेंट इशू जैसल कह रही है कि आप कंप्लेंट लेके जाओ मैंने कंप्लेंट की थी मैं आपको बताता दूं अभी मेरे साथ ना बहुत बड़ा किस्सा हो गया था एक मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा किस्सा हो गया था तो मैंने ना स्कोरस में जाके कंप्लेंट फाइल की थी ठीक है यहाँ पर देखो सेबी का एक रेजोल्यूशन जो है मैकेनिज्म है स्कोरस का और एन का भी होता है तो वहाँ पर जाके ना मैंने जो है कंप्लेंट फाइल की थी बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था क्या लफड़ा हो गया था सुनो बताता हूँ क्या हुआ था मैंने क्या किया था ना अपनी मम्मी का डी अकाउंट खुलवाया था ठीक है मैंने क्या किया था मैंने अपनी मम्मी का ना डी अकाउंट खुलवाया था तो जब मैंने डी पे डीमेट अकाउंट खुलवाया तो समझो एक ब्रोकर है है ना समझो एक ब्रोकर है जैसे ब्रोकर कौन कौन है आपके जैसे आपका समझो आई सी सिक्योरिटीज़ हैं या फिर एंजल ब्रोकिंग है या फिर जीरो था है या फिर एच सिक्योरिटीज़ हैं अब स्टॉक्स है फाइव पैसा है तो ये सब क्या है ये सब आपके ब्रोकर हैं तो मैंने ना यहाँ पर अपनी मम्मी का यहाँ पर डीमेट अकाउंट खुलवाया तो ये तो सिर्फ क्या करता है ये मुझे फैसिलिटी देता है कि मैं शेयर्स खरीद और बेच सकता हूँ लेकिन जब मैं शेयर्स खरीदता हूँ ना है ना है ना जब मैं शेयर्स खरीदता हूं ना तो ये शेयर्स कहाँ पर पड़े पड़े रहते हैं फिजिकल फॉर्म में तो होते नहीं है ये शेयर जो है ये है ना रोशन रोशनी राय एम न्यू कमर काइंडली इन्फॉर्म मी फॉर हाउ मेनी मंथ्स करेंट अफेयर्स शुड बी स्टडी फॉर सी एस टी थर्टी डेज आर मोर देन इन काफी हो गए है ना रोशनी चलिए तो ग्रो का ऐप हो गया तो ये जो मैं शेयर खरीदूंगा ना मेरे पास नहीं रहता है इनके पास भी नहीं रहता है ये कहाँ पर पड़ा रहता है ये कहाँ पर पड़ा रहता है किसी डिपॉजिटरी के पास पड़ा रहता है है ना ये किसी डिपॉजिटरी के पास पड़ा रहता है अब डिपॉजिटरी मतलब कौन ये सी हो गया या एन हो गया है ना ये डिपॉजिटरीज हैं ठीक है ये डिपॉजिटरीज हैं सी हो गया एन हो गया तो ये डिपॉजिटरीज हैं इनके पास जो शेयर्स पड़े हुए रहते हैं अब यहाँ पर हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हुआ क्या मैंने डी तो खुलवा लिया है ना बहुत ध्यान सुनना बहुत मज़ेदार किस्सा सुना रहा हूँ मैं आपको मैंने जो है डी तो यहाँ पर खुलवा लिया था ठीक है मैंने शेयर्स भी खरीद लिए मैं बताता हूँ कौन सा शेयर था एक था टाटा स्टील बी टोटल चार शेयर्स मैंने खरीदे थे ये टाटा स्टील बी मैंने खरीदा था एक शेयर है टाटा स्टील बी इसका रेट था सिक्सटी टू इसका रेट था सिक्सटी टू ठीक है मैंने खरीदे हज़ार शेयर्स मैंने खरीदे हज़ार शेयर्स तो कितने हो गए है ना सिक्सटी के मैंने शेयर्स खरीदे थे तीन और खरीदे थे तो सिक्सटी के मैंने शेयर्स खरीदे थे ये खरीदे मैंने तो खरीदे तो मैं तो खुश हो गया कि हाँ भाई अपने जो है है ना डी में ट्रांजेक्शन हो चुका है और वो सी डी के पास चले जाएंगे बट उस ब्रोकर ने क्या किया जो डी अकाउंट की डिटेल्स है ना सी डी एस एल एन एस डी एल के पास अपडेट करनी पड़ती हैं मतलब उनको जाके ये बताना पड़ता है समझ में समझा नहीं ओके है ना शाम्भवी सिर्फ मैं आपको ही बता रहा हूँ मैंने शेयर लिया था उसका मैं आपको कहानी बता रहा हूँ बहुत ध्यान सुनना ठीक है तो ये क्या होता है देखो सी डी एस एल एन एस डी एल मतलब क्या है ना ये एक एंटिटी है ये एक पर्सन है एक एंटिटी है कंपनी है एक्चुअली जो आपके शेयर्स वगैरह संभाल के रखती है ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं हजारी है आजारी करते जैसल मैंने तो यहां पर सी डी एस एल एन एस डी एल जो है इसके पास ना इस ब्रोकर को बताना चाहिए था मैंने ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाया देन इसने सी डी एस एल को बताना चाहिए था कि मैंने वहां पर उनके यहां पर अकाउंट खुलवाया है लेकिन उन्होंने बताया नहीं है ना लेकिन जो उन्होंने बताया नहीं तो वो जो मम्मी की डिटेल्स थी ना यहाँ पर अपडेट ही नहीं हुई वहाँ पर डिटेल्स अपडेट ही नहीं हुई तो दिक्कत क्या हुई मैंने शेयर्स तो खरीद लिए दो दिन दिख भी रहे थे है ना दो दिन दिख भी रहे थे लेकिन उसके बाद शेयर्स वहाँ से गायब हो गए है ना दो दिन जो है शेयर्स दिख भी रहे थे उसके बाद वो शेयर्स वहाँ से गायब हो गए तो मैंने उस ब्रोकर को फ़ोन करना चालू किया मैंने कहा कि यार मैंने शेयर्स खरीदे थे तब तो दिख रहे थे अब नहीं दिख रहे तो बोले टेक्निकल इशू है हो जाएगा टेक्निकल इशू है हो जाएगा ठीक है तो ये शेयर्स हो गए सिक्सटी टू से बढ़ के सेवेंटी टू है ना विद इन फिफ्टीन ट्वेंटी डेज पंद्रह दिन के अंदर अंदर बता रहा हूँ कि ये शेयर का प्राइस बढ़ के हो कितना हो गया सेवेंटी टू आ एट्टी टू हुआ नाइन्टी टू हुआ एंड वन जीरो एट तक गया था ये शेयर चला गया था एक सौ आठ रुपये तक और मेरे डी मैट में शेयर ही नहीं दिख रहे थे ये तो सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ आपको तीन और थे तो मुझे दिख ही नहीं रहे थे है ना तो यहाँ पर मैं रोज उनको फोन करता था रोज उनको फोन करता था भाई क्या हो गया भाई क्या हो गया कर रहे हो नहीं कर रहे हो है ना फिर उनके सीनियर का नंबर लिया मैंने सुपर सीनियर का नंबर लिया मैंने चेयरमैन का नंबर लिया मैंने फिर है ना मैंने साइड बाई साइड क्या किया था ये स्कोर्स स्कोर्स जो है ना पर भी मैंने एक डाल के रख दिया था मेरे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स थे ठीक है तो यहां पर क्या था यहाँ पर क्या था तो रिवाइज करना पड़ेगा दे करेंट अफेयर्स को याद रखने का तरीका क्या रिवाइज करना पड़ेगा है ना या तो फिर आपको बादाम खाना बढ़ाना पड़ेगा तो दो ही चीजें तो यहाँ पर क्या स्कोर्स पर मैंने कंप्लेंट कर दिया था मैंने बोला यार सिक्सटी टू मैंने शेयर खरीदा था एक हो गया है लेकिन अभी तक दिख नहीं रहा है ना अभी तक दिख नहीं रहा है तो बड़ी समस्या थी फिर धीरे 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 पता चला कि बेवकूफ़ों ने सी के पास जो है डिटेल्स अपडेट नहीं की थी इसलिए मेरे डी में दिख नहीं रहा था उसके बाद के जैसे तैसे करके रिजॉल्व हुआ फिर वो नीचे आया 101, 102 वगैरह तक आया था 98 वगैरह तक आया था अभी 92 वो शेयर हो गए है ना वहाँ से सब मैंने शेयर वेयर बेचे मैंने बोला नहीं रखना है आपके पास मैंने सब बेच के वो अकाउंट ही बंद कर दिया ठीक है तो इस तरीके की दिक्कतें हो सकती है ठीक है इस तरीके की दिक्कतें अगर आपके फ्यूचर में हुई तो आप क्या करोगे तो आप सेबी के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हो बहुत हेल्पफुल होते हैं से खुद कॉल आता है सेबी में जा कंप्लेंट कंप्लेट करो ना तो खुद कॉल आता है पूछते हैं भाई क्या हो गया था आपके साथ, आपके साथ? आपने कंप्लेंट रेस किए सो वेरी कोऑपरेटिव पीपल ओके चलिए तो ये सब देखो कंप्लेंट जाती है आपके स्कोर्स प्लेटफॉर्म में मैंने आपको बताया कि इसका यूज़ क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है और ये जो था ये आपको ना जस्ट एक न्यूज का दिया हुआ है कि तब सेबी की क्या न्यूज थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा था कुछ कुछ करने के लिए और उन्होंने कहा था कि हम नहीं करेंगे सुनेगा है ना सुनेगा सुमित शेयर्स का पिक दिखा दो शेयर का पिक दिखा दो क्या होता है है ना शेयर नहीं दिखते इनविजिबल होते हैं है ना चलिए सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने देखिए 27 जनवरी 2020 को जो है यहां पर चार महीने की डेडलाइन दी थी सेबी को कि स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट रेज की थी लोगों ने किसके खिलाफ है ना किसके खिलाफ अक्षित महाजन पूछ रहा है कौन सा ब्रोकर था एंजल ब्रोकिंग था एंजल ब्रोकिंग ठीक है तो ऐसा नहीं फाइनली जो है उन्होंने वापस तो किए शेयर लेकिन काफी समस्या हुई ठीक है इनको कहा गया था कि आपको जो है प्रमोटर्स के खिलाफ जो है यहां पर प्रूव करना है मतलब कार्यवाही करनी है कौन कौन से प्रमोटर्स थे भारत निधि पीएनबीएफ एंड कैमेक भारत निधि है ना पी एंड कैमेक तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि इनके खिलाफ आपको जो है अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करना है चार महीने में कंप्लीट करना है तो ये तब न्यूज़ में था एक्चुअली पुरानी न्यूज है लेकिन मॉड्यूल में इसलिए एक बार जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सैबी को कहा था है ना सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सैबी को कहा था कि भाई आपको चालू करना है सैबी सुप्रीम कोर्ट में गया था फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सैबी को कहा कि आपको ये करना पड़ेगा अब सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है कि अगर आपके साथ कुछ धोखा होता है ठीक है अगर आपके साथ कुछ सी भी प्रकार का धोखा होता है तो आप अपील से अगर हम जाते हो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाओगे ना अपील करोगे ना तो यहां पर क्या था आपका सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल था ठीक है इन्होंने सेबी को कहा था कुछ करने के लिए सेबी सुप्रीम कोर्ट गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो भी आपको करना पड़ेगा ठीक है कब की कहानी है सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल ने कहा था दो में एंड एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनको दो में ओके परफेक्ट क्लियर है समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है ना बहुत बढ़िया चलिए देन नेक्स्ट है सेबी टाइटन सी नॉम फॉर प्लेजिंग ऑफ शेयर्स प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का मतलब पता क्या होता है है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का मतलब क्या आपको पता है क्या होता है प्लेजिंग मतलब क्या गिरवी रखना प्लेजिंग मतलब क्या गिरवी रखना तो अगर कोई कंपनी का प्रमोटर प्रमोटर मतलब ओनर है ना अगर कोई कंपनी का प्रमोटर ओनर जो है अगर वो कंपनी फॉर्म करता है जैसे सपोज कि आपने और मैंने मिलकर एक कंपनी बनाई ठीक है हमारे पास एक लाख शेयर थे मतलब पचास हजार आपके पास पचास हजार मेरे पास तो शेयर वो हमारी प्रॉपर्टी है अब कल जाके अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ी कल जाके अगर मुझे पैसे पर की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा उस शेयर्स को कहीं पर जाके प्लेज करूंगा गिरवी रखूंगा एंड वहां से लोन उठा लूंगा है ना उन शेयर्स को जाके मैं गिरवी रखूंगा एंड वहां से जाके जो है लोन उठा लूंगा करेक्ट है तो इसको आप कहते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स तो कभी भी अगर कंपनी का ओनर मतलब प्रमोटर अपने शेयर्स को प्लेज करता है ना गिरवी रखता है ना तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नीचे जाता है इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार इनके पास पैसे नहीं है है ना अपनी शेयर गिरवी रख रहे हैं कल जाके फ्रॉड कर दिया तो क्या होगा ठीक है तो तब भी कुछ टाइम के लिए शेयर प्राइस जो है वो नीचे आता है ये सब नोट्स में है ना सीएम नोट्स से ही तो पढ़ रहा हूँ मैं ठीक है तो ये क्या है वहाँ से ना शेयर प्राइस नीचे जाता है और अगर कभी आपको न्यूज़ में ऐसा दिखे कि भाई शेयर जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने प्लेज जो है वो छुड़वा लिया है अपने शेयर छुड़वा लिए तो शेयर प्राइस ऊपर जाता है इससे शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ भाई अब प्रमोटर्स अच्छा कर रहे हैं इनके पास भी पैसा है ओके okay, परफेक्ट है समझ आया तो दिस इज कॉल्ड इज प्लेजिंग ऑफ शेयर्स तो इसको जो लिमिट्स यहाँ पर दिए हुए ना वो इंपॉर्टेंट है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का मतलब समझ आया प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का मतलब समझ आया मैं कंपनी का प्रमोटर हूँ प्रमोटर मतलब दो लोगों ने सपोज मिलकर कंपनी बनाई तो मैंने अपने शेयर्स को गिरवी रखवा दिया दैट इज कॉल्ड इज प्लेजिंग ठीक है ज्यादा प्लेजिंग अच्छी नहीं मानी जाती है थोड़ा बहुत रहा तो चलेगा अब देखिए इसमें क्या बोला है उन्होंने कि अगर प्रमोटर अपने शेयर्स को प्लेज करता है ना तो उसको सैबी को बताना पड़ता है प्रमोटर अगर अपने शेयर्स को प्लेज करता है ना गिरवी रखवाता है तो उसको सैबी को बताना पड़ता है और सैबी के थ्रू इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि भाई उसकी कंपनी के प्रमोटर ने यस मैगी बिल्कुल कन्फर्म है सी का एग्जाम तो होता ही है हमेशा होता ही है और उसमें तो कोई बना ही नहीं है तो यहां पर उनको वैसे तो बताना पड़ता है सात दिन में जो प्रमोटर है उसको सैबी को बताना पड़ता है विद इन सेवन डेज लेकिन प्लीज बहुत ध्यान सुनना प्लीज बहुत ध्यान सुनना इन्होंने क्या बोला है कि अगर 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 आपका जो प्रमोटर ग्रुप है ना इट क्रॉजेज फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल स्टेक कि एक प्रमोटर का मोर देन फिफ्टी परसेंट जो है वो प्लेच करवा दिया गया हो है ना अगर प्लेच करवा दिया हो या फिर इट इज मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल तो ये चाहे तो प्लीज आप लिख लो साइड में ये चाहे तो प्लीज आप लिख लो साइड में इन्होंने क्या बोला है देखो फॉर एग्जाम्पल प्लीज ये लिख लो ये सपोज प्रमोटर जो है इसने क्या किया अपने शेयर्स को प्लेज किया इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो सेबी का जो है सेबी का जो आपको डेट्स वगैरह पूछेगा 1992 वगैरह टू वगैरह वगैरह तो वो पूछेगा और ये प्लेजिंग वाले जो रेट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेट्स और नंबर ऑफ डेज तो इसको प्लीज आप ध्यान रखो ओके चलिए सुनिए तो यहां पर प्रमोटर जो है इसने क्या किया था अपने शेयर्स को किया था प्लेज प्रमोटर ने क्या किया था अपने शेयर्स को किया था प्लेज प्लेज किया था मतलब गिरवी रखवाया तो अगर ये जो शेयर प्लेज किया है ना ये मोर देन फिफ्टी परसेंट हो जाए मतलब प्रमोटर के पास जो शेयर थे ना जो प्रमोटर्स शेयर थे ना उसमें से पचास परसेंट से ज्यादा के प्लेज करवा दें मतलब अगर प्रमोटर के पास शेयर जो था अगर प्रमोटर के पास सपोज एक लाख शेयर्स हैं और उसमें से 50 परसेंट से ज्यादा मतलब 50,000 हजार से ज्यादा शेयर्स अगर उसने प्लेच करवा दिए या फिर या फिर या फिर जो कंपनी के टोटल शेयर्स हैं जो कंपनी के टोटल शेयर्स है ना टोटल शेयर्स ऑफ कंपनी है ना है ना उसका 20 परसेंट तो टो टोटल शेयर्स ऑफ कंपनी जो है ना उसका 20 परसेंट उसने प्लेच करवा दिया अगर कंपनी के टोटल शेयर्स समझो दो लाख कंपनी के पास टोटल शेयर जो है ना वो दो लाख है तो उसका बीस परसेंट मतलब कितना होता है उसका बीस परसेंट मतलब कितना होता है चालीस हजार ठीक है चालीस हजार तो या तो प्रमोटर ने पचास परसेंट से ज्यादा शेयर को जो है प्लेच करवा दिया ठीक है परफेक्ट है या फिर क्या है ना या फिर क्या बीस परसेंट वगैरह या उससे ज्यादा प्लेच करवा दिया तो फिर उनको सात दिन में नहीं दो ही दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा ठीक है प्रमोटर की जो प्लेजिंग है या तो पचास परसेंट से ऊपर चली गई या फिर टोटल कंपनी का ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा हो गया ठीक है तो इन केसेस में आपको दो दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा अदरवाइज प्लेजिंग का आपको सात दिन के अंदर अंदर बताना पड़ता है क्लियर है तो प्लीज यहां पर ध्यान से देखो ये परसेंटेज में आपको लिख के इसलिए बता रहा हूं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो परसेंटेज एंड नंबर ऑफ डेज आपको याद रखना है क्लियर है क्या क्लियर है क्या बताइए समझ आया पढ़ एक बार वापस से थोड़ा सा टिपिकल है ना थोड़ा सा टिपिकल है चलिए सुनिए हा सुनिए तो यहां पर क्या था ना यहां पर क्या था यहां पर देखिए क्या बोला था प्लेजिंग ऑफ शेयर्स में इन्होंने क्या बोला था कि इनको दो दिन के अंदर अंदर, अंदर बताना पड़ेगा प्रमोटर्स को दो दिन के अंदर अंदर, अंदर बताना पड़ेगा कब अगर प्रमोटर ग्रुप क्रॉसेस फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल स्टेक हेल्ड बाय द प्रमोटर्स तो अगर पचास परसेंट से ऊपर हो गया या फिर इट इज़ मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ दी कंपनीज टोटल शेयर कैपिटल कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल का बीस परसेंट से ज़्यादा हो गया या प्रमोटर का पचास परसेंट से ज़्यादा हो गया नेत्रा सुन रहे हो आप है ना कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल के बीस परसेंट से ज़्यादा हो गया या फिर प्रमोटर के पास जितना था उसका फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा हो गया तो फिर कितना दो दिन के अंदर, अंदर अंदर बताना पड़ेगा नहीं तो सेवन डेज के अंदर, अंदर अंदर बताना पड़ेगा नॉर्मली क्लियर है वेरी गुड पर ध्यान दें है ना आपके जो झगड़े यहाँ पर आप कर रहे हो ना उसके लिए मैं अलग से आपके लिए अलग से एक ना कॉम्पिटन रख दूंगा जूम पे है ना आप सबका वीडियो चालू रहेगा जिसको लड़ना है लड़ लेना हम उसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे वायरल भी कर देंगे बिल्कुल चिंता मत करो आपको फॉलोअर्स भी आ जाएंगे तो ये क्या हुआ आपका सेबी समझ आया क्लियर है क्या आर बी हुआ अपना सेबी कम्प्लीट हुआ बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं लेकिन ये वाले इंपॉर्टेंट है द नेक्स्ट है आपका क्या कॉम्पिटन कमीशन ऑफ इंडिया तो कॉम्पिटन कमीशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि भाई कॉम्पिटिशन मत करो आप है ना मिली मत करो मिली करोगे तो दिक्कत हो जाएगी मिली भगत करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है शुभी कह रही नहीं समझा एक बार लास्ट बताता दूँ एकदम लास्ट है ना एकदम लास्ट बताता दूँ प्लीज ध्यान से सुनना एकदम लास्ट कि कंपनी का टोटल शेयर जो है या टोटल शेयर कैपिटल जो है वो समझो दो लाख है ठीक है एक कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल जो है वो समझो दो लाख है ठीक है देन नेक्स्ट क्या शुभी है ना नेक्स्ट क्या सपोज शुभी जो है प्रमोटर मीनिंग जिसने कंपनी बनाई है जिसने कंपनी बनाई है जैसे अंजलि सपोज आपने और मैंने मिलकर एक कंपनी बनाई हमने क्रिएट की तो हम क्या हम है हम प्रमोटर हैं ओके एकदम लास्ट एकदम लास्ट टोटल शेयर कैपिटल समझो कि दो लाख का था एंड यहाँ पर शुभी जो थी शुभी जो है वो प्रमोटर है प्रमोटर मतलब जिसने कंपनी बनाई है जिसने रजिस्टर करवाई है तो शुभी जो है ये प्रमोटर है एंड इसके पास थे इसके पास थे अस्सी हजार के शेयर इसके पास थे अस्सी हजार के शेयर ठीक है नहीं सेम ही हो जाएगा एक्चुअली इसके पास एक लाख के शेयर थे इसके पास ना एक लाख के शेयर थे तो या तो शुभ आप क्या करो या तो आप क्या करो कि आपके पास एक लाख के शेयर है ना उसमें से पचास परसेंट कितना होता है पचास हज़ार तो अगर आपने पचास हजार से ज़्यादा गिरवी रखवा दिया अगर आपने पचास हज़ार से ज़्यादा गिरवी रखवा दिया या फिर क्या या फिर क्या जो टोटल शेयर कैपिटल था ना टोटल शेयर कैपिटल कितना था दो लाख उसका बीस कितना होता है चालीस तो मोर देन फोर्टी थाउजेंड तो या तो पचास परसेंट से ज्यादा या फिर ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा क्या हुआ था आपने शेयर्स गिरवी रखवा दिया था तो आपको दो दिन के अंदर अंदर सेबी को बताना पड़ेगा कि भाई आपने शेयर्स को गिरवी रखवाया है इन्वेस्टर्स को बता दो ओके परफेक्ट है क्या क्लियर है क्या नहीं तो अदरवाइज सात दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा चलिए अब हम आज का जो है लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इसको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ही रखेंगे बहुत ही छोटा सा है बस आधे ही पेज का है सुनिएगा तो कॉम्पिटिशन एक्ट यहाँ पर बनाया गया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है ऐसा क्यों बनाया गया है बहुत ही सिंपल रीज़न है कल जाके ऐसा ना हो कि जो सपोज दो तीन प्लेयर्स हैं देखो अभी जैसे आपके टेलीकॉम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं आपके टेलीकॉम में तीन प्लेयर्स हैं है ना एक आपका जियो हो गया मतलब आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया एक आपका वोडाफोन आइडिया हो गया गरीब शेयर दस रुपये वाला ठीक है जियो का शेयर मतलब रिलायंस का शेयर टोटल एक साथ है बाईस सौ का अप्रॉक्सीमेटली एक्जैक्ट नहीं दस बीस रुपये ऊपर नीचे एंड आपका थर्ड वाला कौन सा हुआ भारतीय एयरटेल तो भारतीय मित्तल का मतलब एयरटेल जो है आपका होगा चार सौ फोर फोर्टी एट फोर फिफ्टी के लगभग आज का प्राइस होगा तो ये तीन ही प्लेयर हैं कल जाके इन तीनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि अभी जो आपके पास रिचार्ज आता है सब वो थ्री नाइनटी नाइन का उन्होंने बोला कि हम ग्यारह सौ रुपए से कम में नहीं बेचेंगे उन्होंने कहा कि हम ग्यारह सौ रुपए से कम में नहीं बेचेंगे तो ये तो लफड़ा हो जाएगा है ना यहाँ पर तो सबका नुकसान हो जाएगा तो यहां पर अगर कहीं पर कुछ मेजोरिटी प्लेयर्स हैं है ना वेलकम शु बी वेलकम तो यहां पर कहीं पर अगर मेजोरिटी प्लेयर्स है और उन्होंने मिलकर मिली भगत कर ली तो तो कहानी खत्म हो जाएगी वैसे देखो स्टील में सब वो टाटा स्टील है जिंदल स्टील है ठीक है एंड 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 एंड, एंड जे स्टील हो गया टाटा स्टील हो गया और जो भी आपके स्टील के प्लेयर्स हैं छोटे मोटे सब ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया या मेजर प्लेयर्स से मिलकर डिसाइड कर लिया कि भाई स्टील के प्राइस तो इतनी होने चाहिए तो क्या हो जाएगी समस्या हो जाएगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसके लिए हमने क्या बनाया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया कि लोगों ने जबरदस्ती अपनी मोनोपली जो है क्रिएट नहीं करनी चाहिए मार्केट में ओके परफेक्ट क्लियर बहुत बढ़िया कौन नितेश किसने प्रॉफिट दिया बेटा चलिए सुनिए अच्छा वोडाफोन आइडिया ने तीन रुपये में खरीदा होगा चलिए तो यहां पर क्या था हमने कंपटीशन कमीशन एक्ट के लिए मतलब कंपटीशन एक्ट बनाया था 2002 का हमने कंपटीशन एक्ट बनाया था 2002 वाला ठीक है एज अमेंडेड बाय दी कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 तो ओरिजिनल कौन सा था 2002 वाला फिर हमने इसमें अमेंडमेंट्स लाए थे 2007 में करेक्ट तो यहाँ पर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो है ये प्रोहिबिट करते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो है ये प्रोहिबिट करते हैं मतलब मिली भगत नहीं होनी चाहिए मतलब मिली भगत नहीं होनी चाहिए ठीक है उसके अलावा क्या एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन तो सपोज जियो डोमिनेंट पोजिशन में आ गया ठीक है तो उसने गलत नहीं करना चाहिए या तीनों कंपनीज ने गलत नहीं करना चाहिए तो ये सब रोकना जो है ये कॉम्पटिशन कमीशन का काम है या रेगुलेट्स कॉम्बिनेशन ज़बरदस्ती की आप कॉम्बिनेशन ना कर लो मिली भगत ना कर लो मोरलेस वही यहाँ पर कहा है ओके देन कॉम्पटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था फ्रॉम 14 अक्टूबर 2003 तो कंपटीशन एक्ट जो था है ना आपका जो कंपटीशन एक्ट था ना यहाँ पर 2002 का था लेकिन ये इफेक्टिव कब हुआ था 2003 में ये बनाया गया था 2002 में लेकिन ये इफेक्टिव कब से हुआ था अक्टूबर 2003 में इसमें चेयरपर्सन है और छः मेंबर से खुशी की बात यह है कि आपको इसमें नाम नहीं दिया है है ना आपकी खुशी की बात यह है कि ये सब लोगों का नाम नहीं दिया है तो खुशी की बात है एक चेयरपर्सन और छः मेंबर से इतना ध्यान रखना ठीक है एक चेयरपर्सन और छह मेबर से इतना ध्यान रखना ओके देन 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 इट इज़ अ ड्यूटी ये चलो ये सब टाइम पास चीज़ें दी थी हुई आपको ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा तो यहाँ पर इनका काम क्या है पब्लिक अवेयरनेस करना है ना कॉम्पिटिशन इश्यूज को लेकर ट्रेनिंग देना कॉम्पिटिशन एडवोकेसी करना मतलब ये कॉम्पटिशन को बढ़ाना चाहते हैं कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ाएंगे तो फिर जो है फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा ना बिल्कुल है ना क्या हो गया बैड क्वीन क्या हो गया कौन परेशान कर रहा है आपको है ना चलिए तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन को ये बढ़ावा देते हैं कॉम्पिटिशन अगर होगा उनमें तो ही तो आपको प्राइस सस्ता मिलेगा कर इट यास इट वॉज एम आर टी पी वेरी गुड यार नितेश वेरी गुड प्राउड ऑफ़ यू ओके चलिए बस अब इसमें और क्या क्या है इसके मेंबर्स देख लो कौन कौन है अशोक कुमार गुप्ता जी जो हैं है ना आई ए एस ऑफिसर हैं नाइनटीन एटी वन बैच के ठीक है तो इन्होंने एज अ चेयरपर्सन जो है यहाँ पर ज्वाइन किया था इन्होंने एज अ चेयरपर्सन यहाँ पर जो है ज्वाइन किया था कौन है ना अशोक कुमार गुप्ता जी ने तो गुप्ता जी हैं है जी है ना गुप्ता जी हैं तो ये तो कॉम्पिटिशन बढ़ाएंगे है ना गुप्ता जी मतलब जनरली तो है जो है बनिया होते हैं और बनिया मतलब दुकानदारी करते हैं जनरली मेजोरिटी वह इनको तो बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में है ना बहुत बढ़िया शुभ तो ये गुप्ता जी हैं ठीक है और कौन कौन मेम्बर्स हैं इसमें है न संगीता जी एंड भगवंत जी ठीक है तो गुप्ता जी भगवान की पूजा करते करते संगीत गाते हैं तो कॉम्पटिशन कमीशन देखो कॉम्पटिशन जो है गुप्ता जी को बहुत पसंद है तो गुप्ता जी क्या करते हैं है ना भगवान की पूजा करते करते भगवंत जी की पूजा करते करते जो है गाना गाते हैं संगीत गाते हैं तो ये तीन नाम आपके याद रह जाएंगे बताइए तीन नाम आपको याद रह जाएंगे बताइए परफेक्ट वेरी गुड ओके तो ये तीन नाम आपके हुए कॉम्पिटिशन कमीशन के अब कॉम्पिटिशन कमीशन इन न्यूज तो यहाँ पर फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये इनका दिल्ली में ही होता है हमेशा ठीक है और ये इसमें कौन आया था कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी तो यहां पर कौन आया था कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी ये आए थे ठीक है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी जो है ये 2019 में आए थे तो ये तो पुरानी बात हो गई तो इसको भी ध्यान रखना क्योंकि मॉड्यूल में है है इसको भी ध्यान रखना क्योंकि मॉड्यूल में है तो फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आपका न्यू दिल्ली में हुआ था एंड कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी ठीक है बुलाया भी तो किसको कृष्णमूर्ति जी को बुलाया भी तो किसको कृष्णमूर्ति जी को तो भगवान का भगवान की पूजा करते करते संगीत गा रहे थे और कृष्णमूर्ति जी को बुलाया था अब लेटेस्ट वाले आप चाहे तो लिख लो अगर आप लेटेस्ट वाला लिखना चाहे ना तो प्लीज़ लिख लो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना सुमित शेयर्स में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी नहीं एक बार आपके सी एस हो जाने दो उसके बाद अपन बैठ जाएंगे उन्हें एक सेशन में ले लूँगा तो यहाँ पर देखिएगा आपका सिक्स कॉन्फ्रेंस आपका सिक्स कॉन्फ्रेंस पाँच मार्च दो में हुआ था एंड यहाँ पर कौन आए थे डॉक्टर एन के सिंह आए थे यहाँ पर कौन आए थे डॉक्टर एन के सिंह आए थे ओहो शुभी बधाई हो डॉक्टर एन के सिंह आए थे जो चेयरमैन है किसके फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन के तो सरकार के फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन जो है वो बनी हुई है वो उसके चेयरमैन थे कौन डॉक्टर एन के सिंह ये आए थे अभी अभी सिक्स वाले कॉन्फ्रेंस में पांच मार्च दो हजार इक्कीस को हुआ था एंड सेवंथ कॉन्फ्रेंस जो होगा है ना श्याम भाभी लेटेस्ट है लिख लो आप चाहे तो है ना सेवंथ कॉन्फ्रेंस जो होगा चार मार्च दो हजार बाईस को दिल्ली में होगा तो अभी जो इस साल हुआ था ना वो पांच मार्च को हुआ था अगले साल वाला चार मार्च को होगा ओके okay, परफेक्ट तो आपको पुराना वाला 2019 का दिया हुआ था ठीक है करेंट वाला कौन सा है आपका अभी हुआ था चार मार्च को है ना करेंट वाला आपका हुआ था पाँच मार्च 2021 को और यहाँ पर डॉक्टर एन के सिंह आए थे जो चेयरमैन है किसके फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन के एंड अगले साल वाला होगा चार मार्च को न्यू दिल्ली में ओके okay. जैसल सर आपके जैसे एंजल ब्रोकिंग में ही प्रॉब्लम हो गई थी एंजल स्टॉक ब्रोकर एसपर यू बहुत सारे हैं वैसे है ना वैसे दिक्कत नहीं जाती है मेरा जो खुद का अकाउंट है वो तो अभी भी एंजल में है ना उसमें दिक्कत नहीं जाती है लेकिन वो नया अकाउंट खुला था ना तो उसमें दिक्कत गई थी ठीक तो है तो बाकी दूसरे जीरो था मैं ओपन कर लो अच्छा है जीरो था ओपन कर लो आप स्टॉक आप ओपन कर लो फाइव पैसा कर लो तीनों में कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना जीरो था अच्छा है दिखने में बहुत बढ़िया लगता है जीरो था उसमें कर सकते हो लेकिन वो दो सौ रुपये लेते हैं अपना डीमेट अकाउंट खोलने के ठीक है और बाकी सब शायद जो है आई थिंक वो फ्री में करते हैं चलिए तो ये क्या हुआ आपका ये आपका हुआ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया डन क्लियर है छोटी मोटी बातें थी यहाँ पर याद रहेगी आपको कल जो है हम क्या करेंगे ओल्ड डेट्स बस वो दो हजार उन्नीस वाला याद रख लेना पिंकी दो हजार उन्नीस वाला याद रख लेना यस yes, विधि विधि बिल्कुल रुक रहे हैं चिंता मत करिए तो वेज आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं कल से हम क्या पढ़ेंगे इबी है ना निब्बा और निब्बी नहीं हम क्या पढ़ेंगे इब्बी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया तो इसके बारे में बताएंगे नया नया लॉ था आपका दो के लगभग लगभग आया था तो ये सब कंप्लीट करेंगे एंड आगे चलेंगे कल ओके है ना सनोवर सिंह तीन सौ लेते हैं तीन सौ लेते हैं क्या वो अगर आपने फ्यूचर्स ऑप्शंस अगर चालू करवाया तो है ना फ्यूचर्स ऑप्शंस वगैरह चालू करवाया तो या कॉमोडिटीज चालू करवाया तो अदरवाइज दो सौ लेते हैं ओके सेजल के लिए सॉन्ग सुना दो चलिए सॉन्ग सुना देते हैं <coughs> एक सॉन्ग सुना देते हैं सॉन्ग आप सजेस्ट कर सकते हो क्या है ना स्क्रीन निकाल लो अरे क्लियर करो यार इतनी भी हलाली क्या इतनी भी हलाली शोभा नहीं देती आपको है ना फिर एग्जीक्यूटिव के लिए तैयार कैसे हो गया आप है ये स्क्रीन ले लो और बताइए सॉन्ग अगर आप सजेस्ट करें सॉन्ग अगर आप सजेस्ट करें यस एफ बी नॉट निब और निब्बी बताइए सॉन्ग सजेस्ट करें तो मैं सुनाता आपको फटाक से एक, है ना फटाक से एक बताइए बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया वंशिका बहुत बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया शायरी की सॉन्ग पाणीदा राबता तेरे बिना और कोई और कोई है ना बताओ अच्छा वाला जो वाला जो होगा वो हम कर देंगे डांस करें है ना यस मुजरा करता हूँ उनको <coughs> बोल दोनों जरा ये मैंने सुनाया था क्या बोल दोनों जरा चलो ये सुनाता हूँ इतनी मोहब्बत करो ना ये सुनाता हूँ ये मैंने आपको थिंक नहीं सुनाया मराठी गान है ना संतोष कह रहा है है ना बाद में पक्का है ना झिंगझिंग झिंगाड़ जिंग जिंग जो है वो मैं बिल्कुल प्रिपेयर करके आऊँगा उसके बाद है ना उसके बाद चलिए थोड़ा सा सुनाता हूँ है ना थोड़ा सा एकदम छोटू सा तो गौर फरमाइए गौर फरमाइए गौर फरमाइए मतलब गाना सुनिए है। hmm, कहते हैं खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी ना किसी को है यार बिगड़ गया बिगड़ गया मज़ा नहीं आया जो मैंने स्केले गलत पकड़ ली स्केल जो है लग जा गले चलो पुराना गाना गाता हूँ लग जा गले गाता हूँ है ना पुराना गाना गाता हूँ सुनिएगा लग जा गले के फिर हसीरात हो न हो ओ शायद फिर जन्म में मुलाकात हो न हो लग जागले के फे हसीरात हो न हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो लग जागले से से शुक्रिया शुक्रिया है ना शुक्रिया अभी के लिए इतना अगली बार के लिए रियाज करके आऊंगा है ना अगली बार जो है मैं रियाज करके आऊंगा ठीक है उसके बाद में आपको सुनाऊंगा चलिए तो आज के यही हैं बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया कल मिलेंगे शाम को पांच सवा पांच के बीच में थैंक यू चलिए बाय शुक्रिया